हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन 99% हर बार आता ही है। इसमें कई बार रूट थ्री आ जाता है, कई बार टू आ जाता है, कई बार फाइव आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, और 99% सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता भी है कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। बट मोस्टली स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन में अपने नंबर कटवा देते हैं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें 1 या 1.5 नंबर ही ले पाते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि बच्चों को ये अटेम्प्ट करना नहीं आता। देखिए स्टूडेंट्स, अगर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का डाला है तो इट मीन्स एग्जामिनर इसमें आपसे डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो देखिए आज इस क्वेश्चन को कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, और आपने इस क्वेश्चन को इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। हमसे कहा गया है कि प्रूव करने की रूट थ्री इरेशनल नंबर है, तो हम क्या मान लेते हैं कि अगर रूट थ्री इरेशनल ना होकर रेशनल नंबर है तो कैसे लिखेंगे, लेट रूट थ्री इज ए रेशनल नंबर। हम मान लेते हैं कि इरेशनल ना होकर ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स हम इसको एक्स बाई वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, सच दैट वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देखिए स्टूडेंट्स, वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिखना इसमें बहुत ज़रूरी है, दैट रूट थ्री इक्वल टू एक्स बाई वाई। अब देखिए अगर हम अगर ऐसा ये है पॉसिबिलिटी तो हम इसको एक्स बाई वाई की फॉर्म में लिख सकेंगे, तो रूट थ्री को उधर ले जाइए, रूट थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स, ये क्या हो गया, रूट थ्री वाई एक्स के इक्वल हो गया। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अब हम इसके दोनों तरफ से स्क्वेयर कर देते हैं, तो रूट थ्री वाई का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, थ्री वाई स्क्वेयर, और एक्स का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर। अब देखिए अगर थ्री वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है तो इससे हमें क्या पता चला, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स एक्स स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय थ्री। इसका मतलब जो हमारा एक्स स्क्वेयर है वो क्या है, 3 से डिविजिबल है। अगर एक्स स्क्वेयर 3 से डिविजिबल है, इट ऑल्सो मीन्स एक्स इज डिविजिबल बाय 3, है ना। अगर किसी चीज का स्क्वेयर हमारा किसी भी चीज से मल्टीपल है तो उसका जो रूट होगा, जो सेम वैल्यू होगी उसकी, वो भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इट मीन्स, ठीक है, इफ एक्स इज डिविजिबल बाय 3, अगर एक्स हमारा डिविजिबल है बाय 3, इट मीन्स इससे क्या पता चला हमें, इससे ये पता चला दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ सम कॉन्स्टेंट, यानी एक्स इज इक्वल टू 3 के फॉर सम कॉन्स्टेंट के, ठीक है जी। इसका मतलब किसी कांस्टेंट के लिए वो मल्टीपल है, ठीक है। अब देखिए एक्स इज इक्वल टू 3 के है, अब इसको इसमें पुट कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये है हमारी इक्वेशन 1 और ये है हमारी इक्वेशन 2, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए, ठीक है, पुट कीजिए, 3y² इज इक्वल टू 3k का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3y² इज इक्वल टू 9k² विच इंप्लाइज y² इज इक्वल टू 3k², ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहां पे शो किया था कि x² इज डिविजिबल बाय 3, उसी तरीके से हमने शो करा दैट y² इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इट मीन्स y² इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। ऑल्सो इट मीन्स y इज डिविजिबल बाय 3। इससे क्या पता चला हमें, y इज डिविजिबल बाय 3,
ठीक है, ये चीज़ हमें क्यों शो करनी पड़ी, क्योंकि हमने क्या शो किया कि जैसे हमने यहाँ पे शो किया कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री वाई स्क्वेयर, उसी तरीके से अब हमने इससे ये रिजल्ट निकाल दिया दैट वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री के स्क्वेयर, कि जैसे एक्स स्क्वेयर हमारा थ्री का मल्टीपल है, डिविजिबल है, उसी तरीके से वाई स्क्वेयर भी थ्री से डिविजिबल है, और अगर वाई स्क्वेयर डिविजिबल है तो वाई भी डिविजिबल हो गया। ठीक है, इट प्रूव्स that 3 is a factor of both x and y। इसका यही तो मतलब हुआ कि वो x का भी factor है और y का भी factor है। ठीक है, और अगर x और y वो दोनों का factor है तो ये क्या prove करता है, it proves that x upon y is not a rational number, is not a rational number। इसका मतलब हमारा x upon y क्या है, rational number नहीं है। Therefore, our assumption was incorrect। कि हमने जो एज्यूम किया था, हमने जो माना था कि रूट थ्री एक्स बाय वाई के इक्वल है, तो वो अजम्पशन हमारी क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। हेंस इट प्रूव्स दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन को सिर्फ एज इट इज ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इसमें कुछ भी स्टेप्स को कम नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे बस 3 आ जाए वहाँ पे आप 2 आ जाए तो 2 कर देंगे, 5 आ जाएगा तो 5 कर देंगे, प्रोसीजर सेम रहेगा। बट जो आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है वो इतनी एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन में मिनिमम लिखनी है अगर आपको 3 में से 3 मार्क्स चाहिए।